मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसे मैम ने बताया कि मकर संक्रांति है, बेसिकली देखा जाए मकर संक्रांति आज नहीं 15 जनवरी को है, मतलब कल है। अब हम बात करते हैं, चूंकि मकर संक्रांति को हम हमारे देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो यहाँ पर दो रूपों में हम इसको देखते हैं। एक देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक देखते हैं आध्यात्मिक या पौराणिक दृष्टिकोण से। पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जब सूर्य का, देखो इसमें एक चीज और समझो, मकर संक्रांति दो शब्दों से मिलकर बना है। मकर को बेसिकली देखा जाए तो हम जो भूगोल पर उकेरी गई काल्पनिक रेखाएं हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, तो एक तो संबंध इसका मकर रेखा से। संक्रांति का मतलब होता है किसी स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश करने के दौरान का समय, संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड से कहते हैं। तो मकर संक्रांति को अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब सूर्य कर्क रेखा से होते हुए, यानी कि दक्षिणायन से होते हुए उत्तर की ओर जब आता है तो मकर रेखा को क्रॉस करता है, ये मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ने लगती हैं, इस कारण इसे मकर संक्रांति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानने से पहले, जैसे मैंने कहा कि आज से कुछ वर्षों के पहले मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को होती थी, अब 15 जनवरी को है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? हमारे अधिकांश त्योहार में हम देखते हैं कि दीपावली हुई, चाहे वो धनतेरस हुई, हमेशा एक दिन आगे पीछे होती है, तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने जानने की कोशिश करी कि क्या है कारण उसका। तो चूंकि हम बात करते हैं अगर ग्रहों के चाल की, तो सूर्य जो है प्रतिवर्ष, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत सिद्ध होता है कि सूर्य जो है प्रतिवर्ष 20 सेकंड अपनी गति को बढ़ाता है और हर 3 साल में लगभग 1 घंटे वो अपनी गति से आगे चलता है। और ऐसे जब हर वर्ष होता है तो 72 सालों में एक स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य अपनी गति में 1 दिन आगे बढ़ा देता है। इट मीन्स कि जो संक्रांति 14 जनवरी को होती थी, क्योंकि वो लगातार हर समय सूर्य अपनी गति को, स्पीड को बढ़ाता जाता है, इस कारण से पृथ्वी पर